अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम केलानी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने दोस्त का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड लगाने के बगैर। कोई भी एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा आसान मेथड है, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो है ना आपको एंड्रॉयड से आईफोन वाईफाई पास करने का तरीका बताता हूँ, जो सबसे ईजी है। मैं जो एंड्रॉयड में हूँ वो मैं नोट 10 प्लस यूज़ कर रहा हूँ, और आईफोन में जो है ना 11 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ। वैसे कोई भी एंड्रॉयड हो, कोई भी आईफोन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम जो है ना इसकी ट्रिक है। आपने सबसे पहले जो है ना जाना है इधर, अगर आप देखें ना, सबसे पहले ये है कि इसके ऊपर, ये देखें ना, ये इसके ऊपर एंड्रॉयड के ऊपर वाईफाई लगा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने आईफोन के ऊपर फॉरगेट किया है आपको दिखाने के लिए कैसे आप पास कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। और आपने सबसे पहले एंड्रॉयड के ऊपर जाना है इसकी सेटिंग में। सेटिंग में जाके ये आता है कनेक्शंस, कनेक्शंस जाके तो नीचे आता है मोबाइल हॉटस्पॉट एंड थिएटर्स। इसके ऊपर क्लिक करें और मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करें। मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके इसे क्लिक करें, ऊपर ओपन करें, और ये ऊपर आइकॉन आता है, एक छोटा सा आइकॉन है ये वाला, ये छोटा सा आइकॉन है, ये इसे क्लिक करें। इससे आपका जो है ना वो QR कोड बन जाता है, और आप जो है ना आईफोन को स्लाइड नीचे करके ना ये एप्लीकेशन में एक आता है QR कोड। अगर आपको आपका इधर नहीं आता है तो मेरे नीचे वीडियो एक है मेरे YouTube पे चैनल पे, आप देख सकते हैं कैसे डाल सकते हैं। या फिर आप कैमरा खोलें, कैमरे से भी ऑटोमेटिक जो है ना आप इसे करके, ये देखें ऊपर ऑटोमेटिक मुझे मैसेज आ गया, ज्वाइन नेटवर्क नोट 10 प्लस के ऊपर क्लिक करें, ज्वाइन करें, तो ये देखें अब थोड़ी देर तक ऑटोमेटिक जो है ना वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, जो दूसरा मेथड है। ये जो मेथड है ये इजी वे है, दूसरा जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, वो थोड़ा टाइम लेता है। वैसे मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ। ये देखें ना, आप इसके ऊपर वाईफाई आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। अब हम जाकर सेटिंग में देखें ना, ये देखें नोट 10 प्लस वाईफाई जो है ना कनेक्ट हो गया आपका। इसके ऊपर आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं, गूगल खोल के देख सकते हैं कोई भी चीज़। अब आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, वो थोड़ा जो है ना डिफ़िकल्ट है। अब दूसरा मेथड ये है कि अब इसकी सेटिंग में जाएं, एंड्रॉयड की सेटिंग में जाके कनेक्शन में जाएं और मोबाइल हॉटस्पॉट में जाएं, मोबाइल हॉटस्पॉट ओपन करें। और अगर आप में आपके मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल पे ये जो है ना ये नहीं आता QR कोड का, आप दूसरा मेथड ये यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है ना इसका सेटिंग में जाएं इसके आईफोन की, इसे फॉरगेट करते हैं पहले हम जो वाईफाई लगा हुआ है, फॉरगेट करके अब जो है ना इसमें आप जो है ना नोट 10 प्लस जो है ना इसे क्लिक करें, और जो हॉटस्पॉट का वाईफाई का अपने पासवर्ड लगाया ना, हॉटस्पॉट का पासवर्ड वो जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा है, यही पासवर्ड जो है ना आपने इधर लगाना है 1 2 3 4 5 5 6 7 8। अब ये ज्वाइन करें, ये देखें ऑटोमेटिक जो है ना ये भी वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और एक ज़रूरी बात ये है कि अगर आपके पास दोस्त के पास वाईफाई ना भी हो ना, तो आप इस मेथड से, जो मैंने लास्ट मेथड बताया सेकंड मेथड, इससे आप जो है ना उसका इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसका इंटरनेट जो है ना 3G जो यूज़ कर रहा है उसे वाईफाई बना के ना हॉटस्पॉट के जरिए तो अपने मोबाइल में चला सकते हैं, उसका इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजी वे है। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।